देखें ग्रामीण न्यूज YouTube पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं प्राची तिवारी। ऑटो वाले भैया तो आपने कई बार सुना ही होगा और कई बार बोला भी होगा, लेकिन इन दिनों भोपाल में ऑटो वाली बहन मशहूर हो रही है। जी हाँ, भोपाल की रहने वाली तलत भोपाल की पहली महिला ऑटो ड्राइवर है। हैरान हो गए ना, एक महिला ऑटो ड्राइवर, क्योंकि हमारे समाज के लोगों को तो लगता है कि ड्राइविंग बस पुरुष ही कर सकते हैं, ये सब पुरुषों का ही काम है, घर का खाना बनाना ही बस महिलाओं का काम है। अगर आप सच में ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि आज के समय में महिला पुरुषों से भी आगे निकल रही हैं, फिर वो चाहे कोई भी मैदान क्यों ना हो। आपको बता दें कि शहर में सिर्फ 5 महिलाओं के पास ही गाड़ी चलाने के लिए कमर्शियल लाइसेंस है, जिनमें तलत का नाम भी शामिल है। तलत के मुताबिक उन्होंने करीब 2 महीने पहले ही ऑटो चलाना शुरू किया है। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद मार्च 2018 में तलत ने ऑटो चलाना शुरू किया था और अब वो इस काम को पूरे मन के साथ कर रही हैं। तलत के मुताबिक वो ये काम करती हैं क्योंकि उन्हें ये करना पसंद है, ना कि इसलिए कि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तलत सुबह 7 बजे ही घर से ऑटो लेकर निकल जाती हैं और शाम 6 बजे तक वापस आती हैं। ऑटो रिक्शा चलाकर तलत दिन भर में कम से कम 500 से 700 रुपए तक कमा लेती हैं। अब हर किसी के दिमाग में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि अगर तलत में इतना ही हुनर था तो पति या परिवार वाले कुछ और भी तो तलत को सिखा सकते थे, लेकिन लोग महिलाओं पर ऐसे अत्याचार करते हैं जैसे महिलाएँ उनकी प्रॉपर्टी हो। ये गुस्सा हमारे नहीं, आपके अंदर भी आएगा, कैसे, चलिए ये हम आपको बताते हैं। दरअसल तलत शादीशुदा हैं, पति ने दहेज के चलते उन पर इतना अत्याचार किया कि वो ससुराल छोड़कर अपने मायके वापस आ गई। दहेज उत्पीड़न का दर्द झेलकर घर की 4 दीवारी से बाहर निकली तलत ने देश भर की महिलाओं के लिए अनोखी मिसाल पेश की। तलत के ऑटो की पहली सवारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। तलत के इस कदम से खुश होकर सीएम शिवराज तलत को प्रोत्साहित करने के लिए उनके रिक्शे में सवारी कर चुके हैं और उन्हें राज्य की पिंक फ्लीट पहली महिला ड्राइवर होने की बधाई भी दे चुके हैं। तलत के मुताबिक उन्होंने 2 साल पहले अन्य महिलाओं के साथ ही गौरवी एक्शन एड से ऑटो चलाने की ट्रेनिंग लेना शुरू किया था। इसके बाद 2018 में कमर्शियल लाइसेंस मिलने के बाद उन्होंने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। तलत को ऑटो चलाना अच्छा लगता है क्योंकि ये उनके आय का जरिया है। यही कारण है कि तलत ऑटो को पूरे मन से चलाती हैं, ना कि किसी दबाव में। ग्रामीण न्यूज़ ऐसी ही महिलाओं को सलाम करता है और उन महिलाओं को सीख देना चाहता है जो हिंसा सहती रहती हैं, परेशानी हो फिर भी उस परेशानी से लड़ नहीं पाती, ऐसी महिलाओं के लिए तलत एक मिसाल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रामीण न्यूज़। देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।